नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक दिग्गज मेटल इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। तो देखिए, मेटल इंडस्ट्रीज में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर वाइज होते हैं। कुछ लार्ज कैप टाइप मेटल इंडस्ट्रीज है, कुछ स्मॉल कैप टाइप मेटल इंडस्ट्रीज है। तो आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनीज है, और टाटा ग्रुप के एक मतलब एक छोटा कंपनी भी बोल सकते हैं। तो छोटा मतलब इसका मार्केट कैप के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि अराउंड अराउंड कंपनी 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, 2.2 करोड़ का मार्केट कैप है। तो आपको ये बात भी मतलब अंदाजा होना चाहिए कि इस कंपनी के जो टोटली मार्केट कैप है उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी बहुत छोटा है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर कितना दम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिएगा जो फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो चलो पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा। कंपनी का नाम कौन सा है आप पहले देख चुके हैं, टाटा मेटालिक। तो टाटा मेटालिक एक टाटा ग्रुप के जो जो स्पॉन्ज आयरन है उसी के ऊपर काम करते हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं कंपनी के आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाऊं, तो उससे पहले मैं आपको चार्ट पैटर्न दिखाना चाहूंगा। देखिए चार्ट पैटर्न आपको क्यों दिखा रहा हूँ, देखिए बहुत सारे लोगों के मन में यही आ जाता है कि स्टॉक के प्राइस जब जब आप प्रीवियस, चलो मैं आपको इसको 1 वीक का कैंडल चार्ट पैटर्न कर देता हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। चलो अभी ठीक है। देखिए लोगों के मन में यही थॉट प्रोसेस आ जाता है कि सर कंपनी का प्राइस कभी 2009 में देखा जाए तो कंपनी का प्राइस अराउंड 40 रुपीज के आसपास था। तो 40 रुपीज के आसपास कंपनी, उसके बाद देखिए बहुत दिनों तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद जो रॉकेट के तरह तेजी पकड़ा अराउंड 2018 जनवरी मंथ में कंपनी हाई किया था अराउंड 1000 के आसपास, 1000 नहीं हुआ था फिर 1000 के आसपास। उसके बाद देखिए स्टॉक में कितना क्रैश हुआ, कंपनी 1000 से डायरेक्ट आ गया 300 में, तो 700 पॉइंट का क्रैश। ये चीज आपको पहले नोटिस करना होगा, क्योंकि कंपनी आप कहेंगे जबरदस्त है, मैं भी कहूंगा चलो कंपनी ठीक ठाक है, फिर भी जिस कंपनी में इतना ज्यादा वोलेटिलिटी है, सोचिए इस वोलेटिलिटी के पीछे कारण कौन सा है, 2.2 करोड़ का मार्केट कैप। तो इतना छोटा कंपनी होने के नाते इस कंपनी के ऊपर तो वोलेटिलिटी आपको हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। देखिए फिर भी एक वोलेटिलिटी आपको दिखा, यहाँ पे जो टॉप लेवल में क्या था, कहाँ पे 1370 के आसपास, तो उस लेवल से आज कितना चल रहा है, आज चल रहा है 700 के आसपास। तो सोचिए यहाँ पे भी अराउंड 700 पॉइंट्स का गिरावट आपको देखने को मिला। तो इस तरीके से वोलेटिलिटी अगर झेल सकते हैं तभी इस कंपनी के ऊपर रहना, नहीं तो बिल्कुल मत रहना, क्योंकि आपके ऊपर दम होना चाहिए। आप ऐसे निवेशक हैं जो स्टॉक के ऊपर निवेश करके कितना भी लॉस हो कंपनी में अगर दम है तो उस कंपनी के ऊपर बने रहेंगे। अगर इस तरीके से आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तभी इस कंपनी के ऊपर रहिए, नहीं तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए, मतलब और भी अच्छा खासा कंपनी आपको मिल जाएगा जो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो चलो इस कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से वोलेटिलिटी के पीछे कारण कौन सा होता है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो मैं कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश किया, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट पब्लिश किया उसके उसके बारे में यहाँ पे बात करूंगा, तो पूरा रिजल्ट आपके सामने डिस्कस करूंगा, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कंपनी के ऊपर क्या हो रहा है। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूं तो यहाँ पे लाखों में है, पहले बता दूं तो लाखों को मैं करोड़ों में कन्वर्ट कर दूंगा, आप सिर्फ फिगर देखना। तो टोटली इनकम है 66,900, जो पिछले बार कितना था 81,400, पिछले बारे में मतलब क्वार्टर फोर का रिजल्ट के बारे में बात करूं, यहाँ पे कितना क्वार्टर वन का, यहाँ पे कौन सा क्वार्टर वन का 60,600। तो ओवरऑल बात करूं तो टोटल यहाँ पे जो फिगर है जो 60 से डायरेक्ट हो गया 66,900, जो 81 से डायरेक्ट कम हो गया 66,000, इसका मतलब पिछले क्वार्टर के तुलना से कंपनी ने यहाँ पे रेवेन्यूज कम किया, इनकम कम किया, मगर पिछले सालों से इनकम ज्यादा था। अभी देखना है कंपनी के एक्सपेंस कितना कंट्रोल किया, तो एक्सपेंस को देखेंगे तो कंपनी ने एक्सपेंस यहाँ पे उतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, क्योंकि देखिए पिछले बार 81,400 का तो इनकम हुआ था मगर एक्सपेंस को भी कंट्रोल किए थे, पिछले सालों में भी कंट्रोल किए थे मगर इस बार वो कंट्रोल नहीं हो पाए। अराउंड 66,900 का टोटल इनकम हुआ और इस बार 66,700 का टोटल एक्सपेंस हो गया, मतलब तगड़ा एक्सपेंस।
कंपनी कर चुके थे, तो यही एक कारण है कंपनी के ऊपर नेगेटिव पॉइंट्स देखने के लिए। तीसरी बात आप देखेंगे तो टोटल कंपनी का जो एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस आप उसको प्लस माइनस करके उसके बाद टैक्सेस भी आपको पे करना पड़ा, तो टोटल टैक्सेस का जो एक्सपेंस है वो भी आप देखेंगे तो टैक्सेस भी पे करना पड़ा। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो टोटल फिगर आता है, देखिए आप बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आ जाता है कि सर आपने तो टोटल इनकम एक्सपेंस दिखा दिया तो टैक्सेस भी तो दिखा दिया, मगर यहाँ पे टैक्सेस का हालत ऐसे क्यों है, ओनली 51 करोड़, मतलब सॉरी ओनली 51 फिगर का आपको क्यों टैक्सेस देना पड़ा, जो पिछले बार 2000 था, पिछले सालों में तो 3900 था। इसका पीछे एक रीजन है, देखिए टैक्सेस किस में लगता है, लोगों को मन में यही आ जाता है कि टैक्सेस लगता है जो इनकम है उसके ऊपर, बिल्कुल नहीं। आप इनकम एक्सपेंस को टोटल माइनस करके आपको हाथ में जो प्रॉफिट आता है, मतलब जो आपको जो टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, देखिए बिफोर टैक्सेस टैक्सेस पे करने से पहले जो प्रॉफिट आया उसी के ऊपर आपको टैक्सेस देना पड़ता है, तो आपको इनकम के ऊपर टैक्सेस नहीं देना पड़ता। आपका टोटल इनकम के साथ आपका कितना एक्सपेंस है उसको माइनस करके आपका हाथ में कितना बचत बचते हैं उसी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। तो इसीलिए इस कंपनी ने इस बार आपको टैक्सेस भी कम देना पड़ा क्योंकि उसका इनकम भी कम हो गया, तो इसलिए टैक्सेस भी कम देना पड़ा। तो इसको सारे एडजस्टमेंट करके कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो ईयर ऑफ इस ईयर साल में प्रॉफिट कितना किया, देखिए बहुत कम, अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 122 करोड़, सॉरी 2 करोड़ नहीं, यहाँ पे मैं जरूर माफी चाहता हूँ, 1 करोड़ आप बोल सकते हैं, 1 करोड़, 1.2 करोड़ का टोटल प्रॉफिट किया, जो पिछले बार कितना था 52 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल में कितना था 94 करोड़ का प्रॉफिट था। तो यही एक फिगर है जिस फिगर के कारण आज स्टॉक के ऊपर कितना हलचल देखने को मिला, क्योंकि आप अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो पिछले सालों में तो तगड़ा अर्निंग पर शेयर था, 30 रुपीज का अर्निंग पर शेयर था, जो पिछले क्वार्टर में 16 रुपीज बन चुके थे, और इस बार तो पूरा के बर्बाद हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, 1 रुपया भी अर्निंग नहीं बचा। तो यही एक बिग पॉइंट है जिसके कारण मैं बार बार आपको बोलता हूँ, छोटा कंपनी के ऊपर निवेश करना मतलब बहुत आपको पेशेंस होने की जरूरत है। हाँ, उस कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है वो आपको देखना चाहिए। देखिए मैं मान लेता अगर इस पिछले बार 30% था, इस बार अगर 15% भी अर्निंग पर शेयर होता तो भी मान लेता कि चलो कंपनी ने अच्छा किया, मगर एकदम डायरेक्ट 30 रुपीज से, सॉरी 30% है, 30 रुपीज से डायरेक्ट 39 पैसे, तो इतना गैप मुझे बहुत वीक लगा, बहुत वीक लगा। तो इसीलिए मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर मैं क्रॉस मार्क जरूर लगाना चाहता हूँ। तो फिर भी देखिए बहुत सारे दोस्त मेरे इस बात को डिसएग्री भी करेंगे, मैं बिल्कुल बिल्कुल आपके बात भी सहमत हूँ, क्योंकि आप खुद के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है, मैं भी गलत जा सकता हूँ, फिर भी मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी बहुत बार मैं देख चुका हूँ जिसका कोई मतलब फिगर जो है वो हमेशा इधर उधर चलता है, मगर कभी भी फिक्स्ड इनकम कंपनी नहीं करते, किसी साल में प्रॉफिट अच्छा हो गया, किसी साल में प्रॉफिट डाउन हो गया, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहते हैं। और रही बात कंपनी के मार्केट कैप की, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 2200 करोड़ का मार्केट कैप है, बहुत छोटा कंपनी है। बाकी पैरामीटर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर कंपनी के ऊपर तो कर्जा भी नहीं है, कर्जा भी ऑब्वियसली बहुत कम है, कंपनी के एनुअली इनकम के हिसाब से भी बहुत कम है, तो अराउंड अराउंड 237 करोड़ का इनकम किया ईयरली, और कंपनी का जो डेप्थ है वो 148 करोड़ है, तो छोटा मोटा डेप्थ है, आप डेप्थ फ्री भी कंपनी को बोल सकते हैं क्योंकि इसके डेप्थ के हिसाब से इसका इनकम ज्यादा है। तो बाकी जैसे आप रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको शानदार दिखेगा, और कंपनी का पी रिसी भी आपको शानदार यहाँ पे दिखेगा, तो बाकी सारे पैरामीटर्स आपको अच्छा दिखेगा। कंपनी का ईपीएस भी चलो अच्छी बात है, अच्छी जगह में है, कंपनी के हाथ में कैश भी 190 करोड़ का है, ये भी अच्छी बात है, मगर एक चीज आप देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट रेशियोज, तो कंपनी देखिए बीच बीच में कंपनी लॉस किया 2012 में लॉस किया, 13 में लॉस किया, उसके बाद कंपनी ने कभी लॉस नहीं किया, कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर रहा है। तो मैं एक चीज यहाँ पे सबको बताना चाहता हूँ कि कंपनी में मैं आपको ये नहीं बता रहा कि कंपनी खराब है, कंपनी स्ट्रगल मूड में है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं खुद को आगे ले जाने के लिए, और टाटा ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब आगे तो ले जाने के लिए बहुत मतलब पूरा का पूरा दम लगाएगा यहाँ पे। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो आप एक चीज सबसे पहले फॉलो करिएगा, कंपनी के कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस तो आपको दिख ही चुके होंगे, मगर एक चीज आपको जरूर फॉलो करना होगा वो है कंपनी ने फ्यूचर में क्या किया था। चलो मैं उसके ऊपर भी एक अंदाजा दे देता हूँ आपको, क्वार्टर बेसिस के बारे में बात करो, देखिए हर क्वार्टर में शानदार कंपनी ने प्रॉफिट किया, मगर इस बार कितना 1 करोड़, 1 करोड़ में पहले आपको बता चुका हूँ 1 करोड़ का अराउंड 1.2 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ,
इतना कम प्रॉफिट क्यों हुआ, उसके पीछे आपको लॉजिक ढूंढना है, तो वो लॉजिक आपको जानना है तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, सर इसके ऊपर अलग से वीडियो लॉजिक के ऊपर बना दीजिए, मैं जरूर इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, इस तरीके से लॉस होने का, इस तरीके से नेगेटिव पॉइंट आने का पीछे कारण कौन सा है। तो आशा करता हूँ इस पूरे जानकारी आपको मिल चुका है। मैं सिर्फ दो चीज कहूंगा कंपनी के बारे में, अगर आप रिक्सी प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर रहिए, अगर आप सेफेस्ट जोन में खेलना चाहते हैं तो इस कंपनी से दूर रहिए, सिर्फ यही बात कहूंगा और कुछ भी नहीं। बाकी आप समझदार निवेशक है तो मैं जरूर कहूंगा आप समझदारी से काम लीजिए, और मेरे इस वीडियो आप अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया है, और मिलते नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।